अब एक काम करो, गूगल ओपन करो, और गूगल ओपन करने के बाद में ना सर्च करो इंडिया टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, और सर्च करने के बाद में देखना ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति आती है या फिर कौन सी मूर्ति आती है। सुबह 8:30 बजे मैं निकलने वाला था, बट लेकिन अभी बजे कितने पता है, 9:45 हो गए, निकलते निकलते 10 बजने वाले हैं। कल चूरचूर नान खा के जो मैं सो गया ना, सो ही गया, आँख ही नहीं खुली मेरी। मेरे दिमाग में था 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट नहीं स्किप कर सकता, अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड कॉफ़ी है, स्किप नहीं कर सकता था, आगे कुछ मिले ना मिले तो सोचा था ये खा कर निकलेंगे, बट लेकिन निकलते निकलते बहुत ही लेट हो गया। एंड आज अपन ने ना अप्रोक्स मेरे हिसाब से मुझे लगता है 200 किलोमीटर का रन होना है, क्योंकि अपन जा रहे हैं आउटस्कर्ट में। कल अपना है ना उदयपुर सिटी, विद इन सिटी में जो जो था वो हो गया, छोटा मोटा हो गया, अभी आउटस्कर्ट में जाने का टाइम है। मेरी आँख बंद हो रही है, चलो। मेरा जो हॉस्टल का स्टे है ना यहाँ पर पीछे है, बट लेकिन यहाँ पर है ना बाइक चलाने के लिए ना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से ना 2-3 बार टायर है ना स्किट हो गए मेरे। ये देखो बाइक कितनी गंदी हो गई है, यहाँ पर बाहर रखेंगे तो डस्ट आ जाता है। कर रहे तो कर रहे क्या, 9:47 एंड फाइनली वी आर रेडी टू गो। गणपति अप्पा मोरिया। चलो देखो उदयपुर में हो ना पिछला लेक के यहाँ पर, मेक श्योर यू आर विजिटिंग जगदीश टेम्पल विच इज ऑन माय राइट। यहाँ की आरती ना काफ़ी सुंदर होती है, यहाँ पर है ना आरती में गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, सो वाइब है वाइब। आज का अपना प्लान कैसा है पता है, सबसे पहले प्रोबेबली 3 लोकेशन पे जाने का मैंने सोचा है, एंड तीनों कैसा है, एक 60 किलोमीटर, फिर वहाँ से आगे 20-30 किलोमीटर, फिर वापस से रिटर्न में 50-60 किलोमीटर, ऐसे वन टाइम हो जाता है, समवेयर अराउंड 96 किलोमीटर वन टाइम का है। अंकल चलो यार क्या कर रहे हो, राइट में मत, सीधा देखो अंकल। सबसे पहले अपन ने जाना है हल्दी घाटी, फिर उसके बाद में अपन ने जाना है कुंभलगढ़, और थर्ड उसके बाद अपन ने जाना है नटवाड़। अरे यार ये प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत टफ है यहाँ का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही रोड था जहाँ से अपन ने उदयपुर में एंट्री मारी थी। अरे यस यही रोड था वो, अजमेर नटवाड़ा चित्तौड़गढ़ कोटा माउंट आबू जोधपुर। ओ भाई रुक जा बाबा डरा मत। अरे ये रास्ते को मैं जानता हूँ, ये रास्ते पर मैंने बाइक चलाई है ऑलरेडी। यार आते टाइम यही रोड से तो अपन ने एंट्री मारी थी उदयपुर में। आगे टनल है यार देखना, किया बुलत था बोला था ना टनल आएगा। एक बार जिस रास्ते पर गाड़ी चला दी ना वो रास्ता अपन कभी नहीं भूलते। हल्दी घाटी 18 किलोमीटर ऐसे रास्ते पर मेरे हिसाब से अपन पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत पार्किंग। भैया श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, श्रीनाथ जी सीधा सीधा चले जाओ, चलिए शुक्रिया। मैंने ना मेरी बाइक यहाँ पर पार्क कर दी, और मैं ना ये गलियों में से ना चलते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर कैसे पता है, ये देखो इतनी नैरो गली है, यहाँ पर कुछ पार्किंग का सीन है ही नहीं, और अगर यहाँ पर एक और गाड़ी यहाँ पर मैं लगा देता था ना मेरी बाइक यहाँ पर कहीं पर, आने जाने का रास्ता ही ख़त्म था। और मुझे ये बता रहे थे कि एक बंदे ने बाइक लगाई थी यहाँ पर और उसका ना मड़गाड़ी तोड़ दिया इन्होंने, मतलब किसने तोड़ा पता नहीं बट नुकसान कर दिया, ऐसा यहाँ का है। ये जो जगह थी मैं ये करने वाला था कुंभलगढ़ के बाद में, बट लेकिन प्लान में हो गया चेंज, मैं रास्ते पर ये रास्ते पर आ गया और यहाँ पर है टाइमिंग, फिर 3 बजे मंदिर खुलता है, तो मैंने बोला अभी कर देते हैं ना। मंदिर के अंदर जाने के लिए ना श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर जाने के लिए ना कोविड सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में बहुत ही ज़रूरी है, अपना सर्टिफिकेट, अब फ़ोन कैमरा को जमा करके यहाँ से एंट्री है। लॉकर रूम है वेयर दे डोंट चार्ज एनीथिंग, कुछ भी पैसे नहीं लेते लॉकर रूम में, वहाँ पर अपना फ़ोन बैग सब कुछ जमा कराना है, अंदर कुछ अलाउड नहीं है। एंड गेस व्हाट वी आर डन, अभी अपन फ्री है अगले स्पॉट पर जाने के लिए। अभी कैसा है पता है, जो मेन जगह जानी थी ना अपने को वो है ना अपना हो गया है,
सो नाउ वी आर वेरी मच रिलैक्स्ड. अभी तक रिलैक्स नहीं हुआ हूँ मैं, एक बार ये गली से बाहर निकल गया ना तब जाकर मैं रिलैक्स हो जाऊँगा. और ये धूप है ना यार तेज़ हो गई है काफ़ी. काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था अपन ने यहाँ पर अंदर जाकर. आगे अपना टाइमिंग मैच होता नहीं होता क्या पता. ये जो पार्ट है ना, यहाँ से हल्दी घाटी का घाट जो रहता है ना वो शुरू हो जाता है. एंड इट्स वेरी नैरो यार, रोड बहुत ही पतला है. अगर एक ट्रक आ जाए ना सामने से ख़त्म, नीचे रोड के उतरना पड़ेगा. और ये हल्दी घाटी जो है ना, ये इनका कलर हल्दी जैसा है, मतलब येलोइश कलर है, इसलिए इसका नाम एक है हल्दी घाटी. वो पहुंच गए हल्दी घाटी. जी हाँ पहुंच गए. देखो यहाँ से है ना हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप का म्यूजियम है. दिस इज द म्यूजियम. सो अगर अंदर अपन जाते हैं तो एंट्री फीस है 100 रुपये. और म्यूजियम में कम से कम मुझे टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1.25 घंटा. अब मैं वही सोच रहा हूँ, डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, या तो अंदर जाए या तो फिर यहाँ से ही बाय बाय बोल दे. यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है. तो रास्ता ख़राब है, बाइक को नहीं लेके जाएंगे अपन ऊपर. तो रुक जा, म्यूजियम वो है, जाना है नहीं जाना है. और डिसीजन मैंने ले लिया. देखो अंदर जाएंगे ना कम से कम नहीं नहीं बोल के 1.25 घंटा जाएगा. और अभी कितने बज गए, 1:15, मतलब 1:30 बजे तक एटलीस्ट अपन बाहर आएंगे. 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक आएंगे यहाँ से 50 किलोमीटर, मतलब और 2:30 से अपन एक्सप्लोर करेंगे कुंभलगढ़. कुंभलगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा. 3:30 से 100 किलोमीटर थक जाना है यार अपन ने. देखो अंदर क्या क्या है, 3D फिल्म स्पेशल फीचर ऑफ द म्यूजियम ऑन द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप एंड द बैटल ऑफ हल्दीघाट, 8 लाइट एंड साउंड शो इंडोर, डिटेल फिल्म ऑन 5 किलोमीटर हल्दीघाटी, आर्ट गैलरी एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर आर्म्स गैलरी, मेवाड़ी आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम, फ्री गाइड अरेंजमेंट, रेप्लिका ऑफ महाराणा प्रताप एंड हिज चीफ जनरल स्टैचूज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. यार ये बहुत ही टफ डिसीजन ले रहा हूँ मैं. बहुत ही डाइसी हो गया हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ. एटलीस्ट 45 मिनट्स हो जाएंगे, मतलब 1:15 बज जाने हैं. डिसीजन हैज़ बिन मेड, अपन अंदर जाएंगे. अपन अंदर जाएंगे. बाइक को कहीं छाव पे लगा दूँ. 3D फिल्म जो है ना वो यहाँ मुझे खींच के ले आई है. बज गए अभी 1:30 बज गए, मुझे पता था 1:30 बजने वाले हैं. एक्चुअली यहाँ पर है ना पूरा हिस्ट्री पूरा स्टोरी बताया. एंड मैं कहूँगा इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स वर्थ विजिटिंग. बहुत कुछ बताया अंदर, ये सारे उनके क्या कहेंगे रेप्लिका बोल दीजिए. बस वी आर डन नाउ विद दिस प्लेस. चल भाई चल जा. किलोमीटर देखो यार अपने कितने हो गए, 2200. 16,000 पर अपन कुछ निकले थे, ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर हो गए. आई विल सजेस्ट अगर ये स्किप भी कर दोगे अंदर जाना इट्स ऑल फाइन. स्टोरी बताई है उन्होंने, स्टोरी एक बार देख लोगे देन टू इट्स फाइन. जो स्टोरी उन्होंने बताई वो स्टोरी के सेम पपेट्स बनाया, पपेट इन सेंस क्या कहते हैं मूर्तियाँ बनाई है, आइडल बनाया एंड देन सीन्स को उन्होंने वापस वैसे बताया. बस ये अंदर देखा मैंने एंड थोड़े बहुत उनके इक्विपमेंट्स जो है अंदर वही है. और मैं ना एकदम कैलकुलेटिव चल रहा हूँ अभी, बिकॉज अगर अभी लेट हो गए ना अपन बहुत कुछ स्किप हो जाएगा अपना. फिर यहाँ से अपन अगर लेफ्ट लेंगे ना अपन पहुँच जाएंगे उदयपुर,
और अगर अपन यहाँ से राइट लेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? अपन जाएंगे कुंभलगढ़, विच इज 48 किलोमीटर। यार ये रोड बहुत ही नैरो है। अब ये कार ये ट्रक के पीछे कितने टाइम के लिए रहने वाली है पता नहीं है, रास्ता ही नहीं है ना भाई ओवरटेक करने का, क्या करेंगे ही? अब यहाँ से ना प्रोबेबली राइट ले रहे हैं अपन ने, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे चलाने के बाद में कुंभलगढ़ अपने सामने है। कितना टाइम लग गया? ऑलमोस्ट यार 2 घंटे होने आ गए। ये जो पार्ट था ना यहाँ से होती है एंट्री शुरू। अब यहाँ पर कैसा है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इट्स ऑल अप टू अस। लाइक 1.5 घंटे में आराम से करो, या तो फिर जितनी जल्दी स्पीड है तुम्हारी उतनी जल्दी कंप्लीट करो। ये जो चढ़ान है ना इसमें ही बैंड बज जानी है, बज जानी है नहीं बज गई है। ये देखो यार वहाँ पर ना नीचे ग्रुप है, उन्होंने ना मेरे साथ ही टिकट लिया था और उन्होंने ना गाइड ले लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गाइड नहीं लेना चाहिए, बट लेकिन गाइड लोगे ना समवेयर अराउंड तुम्हारे है ना 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाएंगे, और अपने लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये नज़ारा तो देखो यार, क्या नज़ारा दिख रहा है अपन ने ना। वो देखो वो एंट्रेंस पार्ट है, ये वाला जो मंदिर है वहाँ से एंट्री होती है शुरू, वहाँ से ऐसा ऐसा कैसा तो करते करते यहाँ तक अपन पहुँच गए। एक चीज़ है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना, कभी भी तुम ट्रैक कर रहे हो या फोर्ट पर जा रहे हो कभी भी किसे पूछना नहीं और कितना बाकी है, वो सुन के है ना डीमोटिवेशन आ जाता है। ओए ये हो गया अपना 3rd गेट। यहाँ पर ना ये फोर्ट की एंट्री की फीस है समवेयर अराउंड 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस, और फॉरेनर्स के लिए ना 600 रुपीज़ है। ये फोर्ट 5 बजे हो जाता है बंद, और यहाँ पर होती है लाइटनिंग, और लाइटिंग जो रहती रहेगी ना भाई, जैसलमेर फोर्ट याद आ गया मुझे। यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये तो रूम्स है भाई। सर ये कौन सा पार्ट है? ये रानी। रानी? रानी महल। अच्छा रानी महल है। सर वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? उधर से सामने। कहाँ से? अच्छा यहाँ से। हाँ। बाहर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो राइट ले लेना, तो उस तरफ से। राइट जाएंगे। अच्छा यहाँ से जाकर? हाँ। थोड़ा ऊपर चलो फिर राइट कर ले लेना। ओके ये रानी महल है ना? हाँ। कोई भूत भी नहीं है ना यहाँ पर? कोई है? कोई है? कोई है? ये देखो लक्ष्मण बहादुर सेक्शन 896 गवाह दे रहे हैं। ये कितना बड़ा एंड फाइनली 16 मिनट में वी आर एट द टॉप ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। अभी है ना मुझे लग रहा था कि अपन ऐसे आए, बट लेकिन ऐसे नहीं आए, ये सारे है ना किले की दीवारें हैं। अपन ये पार्ट है ना यहाँ पर मतलब ऐसे नीचे से है। देखो अपन जाने के लिए ना वहाँ तक चले जाए, बट हमें वहाँ से कोई लेकर नहीं आएगा, हम खुद जाएंगे, हमें खुद ही वापस आना पड़ेगा, और ये धूप में। बस यहाँ से ही देख लिया दीवारें, मन खुश हो गया, मज़ा आ गया। एक्चुअली एंट्री पॉइंट ये जो मंदिर है ना वहाँ से अपन ने एंट्री मारी है ना, वो सामने जो मंदिर है मंदिर से पहले वो जो गाड़ी खड़ी है ना। हाँ 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 वाइट वाली। वाइट वाली हाँ वो वहाँ से एंट्री मारी, वो वाला पार्ट यहाँ खत्म हो रही है। कहाँ पे? वो किले की दीवार है ना जहाँ यहाँ यहीं पे खत्म हो रही है वहाँ पे। अच्छा ये पार्ट तो मतलब ये सब ये बीच का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये बीच का पार्ट हो गया, एंड ये ऐसे आगे कंटिन्यू होता है। ये किला है, ये मेन किला है, वो दीवार वो सब दीवार और मंदिर वो सब
वो उनके लिए बनाए हुए ताकि किले के अंदर किला की सुरक्षा के लिए बना हुआ है ये पूरा। ये ऐसे बहुत बड़ी है चीन के बाद। उधर भी वो मंदिर देखो, ये सारा मंदिर वही ना, ये किले के अंदर का पार्ट का है ना, किले के अंदर वो देखो लास्ट वाला व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है। अच्छा ये दीवारों का। अब यहाँ से ना अपन फोर्ट डिसेंड करना चालू कर देंगे। मैं टेंशन में था बिकॉज अब ये ना ये जो रास्ता जहाँ से मैं 60 किलोमीटर करने के लिए ना मुझे समझ अराउंड 130-140 मिनट्स लग गए, मतलब डेढ़ पौने दो घंटे लग गए बिकॉज रोड बहुत ही पतला था। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो रास्ता मुझे पता चला ना, अभी अपन ना ऐसे पूरा ऐसे घूम कर है, बट अभी कैसा सिर्फ ऐसे जाना है अपन ने। खुशी हो रही है यार, कुंभलगढ़ फोर्ट भी कर लिया। 35 मिनट्स हो गए यहाँ पर, 15 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया, 10 मिनट में नीचे उतर जाएंगे। डन, वी आर डन मैन। चलो अपन ना वहाँ पर टॉप पर थे, वहाँ से अपन अभी आ गए नीचे। अपन है ना यहाँ से चढ़कर ऐसे मस्त में आगे चले जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, बट कौन लेकर आएगा अपने को। और मैंने पूछा दुकानदार, मतलब जो यहाँ पर शॉप है उनसे पूछा मैंने, उन्होंने भी बताया 15 मिनट ही लगते ऊपर जाने के लिए, आप बीच बीच में फ़ोटोज़ लेते हो तो टाइम लग जाता है। बाहर से ऐसा दिखता है कुंभलगढ़ भाई। ग्लव्स नहीं ले लेना मेरे से, दांत भी मत दिखा, मार जंपर। मेरे फेस की, मेरे बाल की ना पूरी बैंड बच गई है यहाँ पर आते आते। मेरा प्लान था मैं यहाँ पर रहूँगा बस समवेयर अराउंड 6:15-6:30, बट अभी बच गया है 7:15, ऑलमोस्ट एक घंटा लेट चल रहा हूँ। रास्ता इतना प्यारा था, इतना प्यारा था ना, गॉड ब्लेस दैट रोड। अब एक काम करो, गूगल ओपन करो। गूगल ओपन करने के बाद मैं ना सर्च करो इंडियाज टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, और सर्च करने के बाद में देखो ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति आती है या फिर कौन सी मूर्ति आती है। अब कैसा पता है, यहाँ पर ना काम चल रहा है तो आप जब सर्च करते हो ना तो ऑब्वियसली ये मूर्ति तो आ ही रही है, बट इसके पहले कौन सी मूर्ति आती थी पता है, आदि योगी ईशा सेंटर, वो ब्लैक मूर्ति है ना वो मूर्ति आती थी, तब ये मूर्ति आनी है। एक्चुअली अभी तक है ना ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है, आवाज़ आ रही होगी जी, ये कंस्ट्रक्शन का ही आवाज़ है। ये जो मूर्ति है ऑब्वियसली कैमरा से तो बहुत ही छोटी लग रही होगी, बट ये मूर्ति की हाइट है 251 फीट। अभी तक है ना इसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, इनॉग्रेशन होना है मार्च में, शिवरात्रि में शायद से, शिवरात्रि मार्च में है या फेब में, आई डोंट नो, प्रोबेबली मार्च 22 को है। मैंने पूछा वॉचमैन से, उन्होंने बोला तब इनॉग्रेशन होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं इनॉग्रेशन के लिए। पहली ये, दूसरी आदि योगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड इज मुर्द्रेश्वर। फर्स्ट और थर्ड अपनी हो गई है, सेकेंड भी कर लेंगे। मैं ना रूम पर आया, रूम पर आने के बाद मैं सबसे पहले मैं हो गया फ्रेश। अभी फ्रेश होकर इतना अच्छा लग रहा है ना मैन, जो पैच था ना नथवाड़ क्या बोलते हैं उसे, नथद्वारा यार, मेरे ना प्रोनाउंसिएशन ही एकदम बम्बू हो गया। फिर वहाँ तक रास्ता जो था वो रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब था, बट लेकिन उसके बाद में तो हाईवे चालू हो जाता है। एंड मेन अपना दिन कब बनिया पता है, वो जो शिव जी की स्टैचू थी ना, मज़ा आ गया वहाँ पर देखकर। जैसा दिन मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ दिन, बट टाइमिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। जो मैंने सर्किट किया, यू कैन डू द सेम, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले है ना शिव जी का जो स्टैचू है वहाँ पर जाकर कुंभलगढ़ जा सकते हो। कुंभलगढ़ से कुंभलगढ़ से म्यूजियम से हल्दी घाटी, एंड देन श्रीनाथ जी, एंड देन बाहर आ सकते हो। ऐसा करोगे ना, मैंने अभी मैप पर देखा, मेरा पूरा मेवार का जो था ना, मेवार हो गया मेरा, सर्किट इज डन, मेवार सर्किट इज डन। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, मजा आ गया। और ये तो अपना ऑल टाइम फेवरेट हो गया स्पॉट। बस अभी सर्किट आउट सर्किट जो था एक सर्किट हो गया, अभी एक दूसरा सर्किट रह जाता है। वो दूसरा सर्किट जो है ना, मैंने पूरा उसको है ना मॉडिफाई कर दिया, वो है क्या चलो। ओ भाई, ओ भाई भाई भाई, कर क्या रहा है ये, इसने मुझे भी नीचे उतार दिया और इसे भी नीचे उतार दिया, क्या इंसान है वे।